Hello friends, welcome in my IT channel SPT999, an easy way to learn computer. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम और उसके दो पार्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में. इसके बाद के वीडियोस में हम लोगों ने हार्डवेयर के डिटेल डिस्क्रिप्शन में इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में समझा. आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के बारे में, उसके फंक्शनिंग और उसके रोल के बारे में. दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी एक फिज़िकल डिवाइस या कंपोनेंट होता है जो सिस्टम में लगाया जाता है डेटा और इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखने के लिए, फिर चाहे वो टेम्प्रेरी हो या फिर परमानेंट हो नेचर में, मीन्स थोड़े समय के लिए रखे गए हों या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखे गए हों. तो मेमोरी यूनिट को आप कंप्यूटर सिस्टम की उस लोकेशन को समझ सकते हैं या वो एरिया या प्लेस कह सकते हैं जहाँ पर डेटा या फिर इन्फॉर्मेशंस स्टोर की जाती हैं, रखी जाती हैं, जैसे कि रैम, रोम, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एट्सेट्रा. तो आइए समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के टाइप्स के बारे में. मेमोरी को बेसिकली वर्किंग बेस पे दो तरह से डिफाइन किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में. Primary memory is the part of the processor. It allows processor to access running execution services. जो primary memory होती है वो processor के साथ work करती है. हम लोगों ने पिछले videos में पढ़ा था processor के बारे में, जो data को process करता है. तो processor जब data को process कर रहा होता है तो उस time पे वो जिस memory को use करता है वो सभी memories primary memory कहलाती हैं. Means कि processor के supplement के तौर पे जो processor को support करती हैं या फिर प्रोसेसर के साथ यूज़ होती हैं, आप उन्हें प्रोसेसर का ही पार्ट कह सकते हैं. प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज़ होती हैं. तो एग्जांपल के तौर पे आप देख पा रहे होंगे रैम, रोम, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ये सभी प्राइमरी मेमोरी के अंडर में आती हैं क्योंकि ये सभी प्रोसेस के टाइम पे किसी न किसी तरह से यूज़ होती हैं. आइए इनको डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसको कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग जो कुछ भी वर्किंग करते हैं या जो भी डेटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, रन करते हैं, वो सारी वर्किंग रैम के ऊपर होती है. स्क्रीन पे आप जो कुछ भी देख पा रहे होते हैं वो सब रैम के ऊपर होता है. आप टाइपिंग करते हैं या फिर सॉन्ग्स चलाते हैं, वीडियोज़ चलाते हैं, जो कुछ भी वर्किंग आप स्क्रीन पर कर रहे हैं वो सारा वर्क रैम पर होता है. सबसे पहले डेटा इनपुट रैम पर ही होता है, इसके बाद अलग अलग मेमोरीज में ट्रांसफ़र किया जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट. इसलिए इसको मेन मेमोरी कहा जाता है. इसको टेम्प्रेरी मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा रखा होता है वो परमानेंट बेस पे नहीं होता है. ये अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए इसको टेम्प्रेरी मेमोरी भी कहा जाता है. वोलेटाइल मेमोरी का मतलब भी यही है कि इसमें जो डेटा रखा होता है वो लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है. अगर अचानक से लाइट चली जाए या सिस्टम आप बंद कर दें तो उसका डेटा लॉस हो जाता है अगर वो फाइल सेव नहीं है. अगर वो फाइल सेव है तो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में होती है तो हम उसे वहाँ से वापस ओपन कर पाते हैं. लेकिन अगर फाइल को सेव नहीं किया गया है या फिर कोई ऐसा डेटा है जो चेंजेस किए हुए हैं इन्फॉर्मेशन में, डेटा में या फाइल में आपने, और उसे आपने सेव नहीं किया है और अचानक से आप सिस्टम बंद कर दें या फिर लाइट चली जाए तो वो डेटा लॉस हो जाता है. इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं. और जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पाते हैं या सुन पाते हैं वो सब रैम पर ही रन होता है, इसलिए इसको डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं. एंड सम टाइम्स ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल मेमोरी, इसे फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है. रैम को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है, एक डायनामिक रैम होती है और स्टैटिक रैम होती है. यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं डी रैम और एस रैम के बारे में. आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले डायनामिक रैम. डायनामिक रैम को पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, मीन्स जो डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है उसको सेकेंड के रेशियो में रिफ्रेशमेंट करना पड़ता है. ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग होती है उसकी, तो डेटा रिफ्रेश होता रहता है जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है. इसकी रिक्वायरमेंट होती है डायनामिक रैम में. ये स्लो होती है और नेचर में डायनामिक होती है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है और चीपर भी होती है स्टैटिक रैम की कंपेयरिंग में. स्टैटिक रैम डेटा को बिट्स के फॉर्म पर स्टोर करती है बिना रिफ्रेशमेंट के, और ये फास्ट भी होती है डायनामिक रैम की कंपेयरिंग में. स्टैटिक इन नेचर, इसमें जो पावर का कंजप्शन है वो भी कम होता है और ये कॉस्टली होती है डायनेमिक रैम की कंपेयरिंग में. प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले हमने रैम पढ़ा और ये दूसरा उसका एग्जांपल है रोम. रोम रीड ओनली मेमोरी है. रीड ओनली इन द सेंस कि इसमें जो डेटा या प्रोग्राम्स या इन्फॉर्मेशन्स रखी होती हैं उनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं.
रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है क्योंकि रोम जो मेमोरी है उसमें बायोस सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग्स होती हैं, तो जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर की चेकिंग की जाती है, जिसे पोस्ट प्रोसेस कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके अलावा जब सिस्टम हम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग मीन्स लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, प्राइमरी इन द सेंस रैम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, ऑन करते ही उसकी लोडिंग शुरू हो जाती है रैम के लिए और वो रैम पे लोड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस कहलाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट करने का काम रोम का होता है और रोम बायोस सेटिंग्स की मदद से ये करती है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें जो डेटा रखा हुआ है उसको हम सिर्फ रीड कर पा रहे हैं, ना उस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं और ना उसे डिलीट कर सकते हैं। इसीलिए रोम को फर्मवेयर भी बोला जाता है क्योंकि ये वो मेमोरी है जो फर्म से, मीन्स जहाँ पे मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है उस कंपनी से इसको लगा कर दिया जाता है उस मदरबोर्ड में, इनबिल्ट होती है ये, इसलिए इसको फर्मवेयर भी बोला जाता है। ये कई कैटेगरी में आती है, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और डबल ई पी रोम मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। प्रोग्रामेबल रोम क्या है, अभी हमने समझा कि जो रोम होती है उसको हम सिर्फ रीड कर पाते हैं, तो मदरबोर्ड में ये रोम लगकर आती है और वहीं से कंपनी से इनबिल्ट होकर आती है। इसमें हम बाद में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया और कुछ ऐसी रोम आने लग गई जिसको हम बाद में प्रोग्राम कर सकते थे। तो ऐसी रोम को पी रोम बोला जाता है, यानी प्रोग्रामेबल रोम, लेकिन ऐसा हम सिर्फ एक बार कर पाते थे। इसके बाद और भी रोम डिज़ाइन की गई जिसमें पहले से पड़े हुए प्रोग्राम्स को हटाकर उसे प्रोग्राम किया जा सकता था, क्योंकि जो पी रोम होती है उसमें अगर उसको हम ब्लैंक लेके आए हैं और उसके बाद ही उसको प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ई पी रोम में अगर पहले से भी प्रोग्राम पड़े हुए हैं तो उनको हम हटा कर इरेज करके नए प्रोग्राम्स रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम ऐसा सिर्फ एक बार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ये ऐसी रोम होती है जिसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें रखे हुए प्रोग्राम्स को डिलीट करके नए प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्निंग प्रोसेस, बर्न किया जाता है किसी चिप में प्रोग्राम्स को। तो जब उसे हम ऐसी कंडीशंस पे राइट करते हैं, एडिट नहीं कर पाते हैं, तो उसे बर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने समझा रोम के बारे में। इसके बाद कैश मेमोरी है, ये भी एक तरह की प्राइमरी मेमोरी ही है। तो रोम से आगे चलते हैं तो हमारे पास अगली जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और ये भी प्रोसेसर के साथ यूज़ होती है। इनफैक्ट ये कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी कहलाती है, इससे फास्ट कोई मेमोरी वर्क नहीं करती है। ये प्रोसेसर और रैम के बीच में वर्क करती है और ये स्पेशली प्रोसेसर का पार्ट होती है। तो हम लोग जो भी डेटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले कैश मेमोरी के पास जाता है और वहीं पे उसका एड्रेस कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाता है। तो जब हम उस डेटा को इन फ्यूचर दोबारा रिकॉल करते हैं तो हमें उसे ढूंढना नहीं पड़ता है, कैश मेमोरी से वो फास्ट एक्सेस हो जाता है, फेच हो जाता है। तो कैश मेमोरी जो करेंटली वर्क हो रहे हैं, रिसेंटली जो वर्किंग हो रही है, वो डेटा यूज किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन यूज की जा रही हैं, उन सभी के एड्रेस को कैलकुलेट करके अपने पास रखती है ताकि जब उसे रिकॉल किया जाए, दोबारा यूज किया जाए, तो उसे ढूंढना ना पड़े इधर उधर, कैलकुलेशन एड्रेस कैलकुलेशन में टाइम ना लगे और वो डेटा हमें जल्दी मिल जाए, तो इसलिए ये वर्क करती है। इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डेटा कैश मेमोरी में चेक करता है और अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो फिर वो रैम के पास जाता है। इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर का ही पार्ट होती है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेन मेमोरी है और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, यानी हमारा प्रोसेसर है जो डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है। तो L1, L2, L3 इस तरह से तीन लेवल में होती है ये कैश मेमोरी, और डेटा जब प्रोसेस होना होता है तो प्रोसेसर सबसे पहले इसी कैश मेमोरी में चेक करता है। इसके बाद अगर यहाँ पे उसको उसका एड्रेस नहीं मिलता है तो वो रैम पे जाता है और वहाँ से डेटा को फेच करके लाता है प्रोसेस करने के लिए। तो ये थी कैश मेमोरी। इसके बाद हमारे पास अगली मेमोरी है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जैसा नाम है वैसा ही काम है, ये एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। हमारे पास जो सिस्टम पे हार्ड डिस्क लगी होती है ये उसी हार्ड डिस्क का ही पार्ट है। आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट कह सकते हैं। जब सिस्टम में वर्किंग हो रही होती है तो कभी कभी रैम में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट आती है। तो ऐसे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट अवेलेबल कराता है रैम के साथ
एज अ प्राइमरी मेमोरी वर्किंग के लिए, तो उस हार्ड डिस्क के पार्ट को जो रैम के साथ यूज़ हो रहा है एक स्पेशल केस में, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अब वर्चुअल मेमोरी क्यों? क्योंकि है तो वो हार्ड डिस्क का पार्ट, लेकिन स्पेशल केस में वो रैम के साथ यूज़ हो रहा होता है जब रैम के पास सफिशेंट स्पेस नहीं होता है किसी प्रोग्राम या फाइल को ओपन करके रखने के लिए, वर्किंग के लिए, तो हार्ड डिस्क का वो पार्ट अवेलेबल करा दिया जाता है रैम के साथ, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क का ही पार्ट है। तो ये थी हमारे पास प्राइमरी मेमोरीज़। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ये जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती हैं, आप इन्हें स्टोरेज कह सकते हैं, जो फाइल्स, प्रोग्राम्स या डेटा को स्टोर करके रखती हैं परमानेंट इन नेचर। आप इन्हें ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सहायक होती हैं प्रोसेसर के लिए भी, डेटा प्रोसेस करने के लिए। जो बहुत ज़्यादा डेटा होता है या परमानेंट स्टोर करके हमें रखना होता है, तो हम उसे स्टोरेज के तौर पे सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। जैसे मेन सेकेंडरी मेमोरी जो है कंप्यूटर के लिए, वो हार्ड डिस्क है, आप इसे गोडाउन कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, जहाँ पे सभी प्रोग्राम और फाइल्स इंफॉर्मेशंस स्टोर करके रखी जाती हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की सेकेंडरी मेमोरी होती हैं जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD, जो 40 GB, 80 GB, 500 GB, 1 TB अलग अलग साइज में आती हैं। इसके बाद FDD है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये पहले यूज़ होती थी कंप्यूटर सिस्टम में, अब यूज़ नहीं होती है। 1.44 MB इसका साइज होता था, बहुत छोटा साइज होता है। CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क, 700 MB के आसपास इसका स्टोरेज होता है। DVD है, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। 4.7 GB का इसके स्पेस होता है इसमें। SD कार्ड है, सिक्योर डिजिटल, जो हम लोग मोबाइल वगैरह में मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, वो आपका SD कार्ड कहलाता है। ये भी अलग अलग साइज में आता है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB एंड सो ऑन। इसके बाद PD है, पेन ड्राइव, ये भी कई साइज में आती है, स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। तो इन सभी मेमोरीज़ के बारे में आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। मेमोरी में जो स्टोरेज टेक्निक होती है, अगर उसकी बात की जाए, तो उसके बेसिस पे मेमोरी को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आती है मैग्नेटिक मेमोरी, जो मैग्नेटिज्म टेक्नोलॉजी को यूज करती है, यानी मैग्नेटिक स्पॉट्स बनाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे, और उसके बेसिस पे डेटा को स्टोर किया जाता है। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक मैग्नेटिक टेप होती है, जो रील यूज किया जाता है, कैमरे में या कैसेट में पहले यूज़ होता था, तो वो एनालॉग डेटा को स्टोर कर पाते थे। इसके बाद डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी बनाई गई हैं, जो कि फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क हैं। और दूसरी टेक्नोलॉजी आती है ऑप्टिकल मेमोरी की, जिसमें बहुत छोटे छोटे पिट्स बनाए जाते हैं, होल्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव मेटल की एक लेयर होती है जो किसी प्लास्टिक पे बनाई जाती है, और उसके ऊपर स्टोर किया जाता है डेटा रिफ्लेक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि CD या फिर DVD है, जो लेज़र बीम का यूज करके राइटिंग और रीडिंग की जाती है। इसके बाद तीसरी तरह की जो मेमोरी होती है, वो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसमें स्टोरेज के लिए ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। रोम, PROM या फिर RAM इसके एग्जांपल हैं। एक और कैटेगरी आती है मेमोरी की, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स डेटा इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई। जो भी मेमोरी डेटा को विदाउट पावर सप्लाई स्टोर करके रखती है इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई, तो उसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो जितनी भी सेमीकंडक्टर मेमोरी हैं, या फिर PD और SD कार्ड, मेमोरी कार्ड वगैरह हैं, ये सब आपके फ्लैश मेमोरी ही कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेमोरी का डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम लोगों ने समझा मेमोरी क्या है और उसके 2 टाइप्स के बारे में। और इसके बाद हम लोग समझते हैं स्लाइड में मेमोरी की यूनिट के बारे में। मेमोरी की यूनिट होती है बिट, ये बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। बिट आप कह सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होती हैं, वो पल्सेस के फॉर्म पे होती हैं, 0 या 1 के फॉर्म पे होती हैं, बाइनरी फॉर्म पे होती हैं। तो उसका जो सिंगल डिजिट होता है 0 या फिर 1, उसे बिट कहा जाता है। आप इसे ये समझ सकते हैं कि जिसमें से 0 रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ पल्स को, और 1 रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ पल्स को। बिट आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट, आप उसे बिट कहते हैं। और ऐसे 4 बिट मिला देने से उसको एक निबल कहा जाता है, और 8 बिट का कलेक्शन एक बाइट कहलाता है। इस तरह से 1024 बाइट का कलेक्शन, आप इसे 2 की पावर 10 बाइट भी कह सकते हैं, 1 किलोबाइट बनता है। और 1024 किलोबाइट मिलाने से 1 मेगाबाइट बन जाता है, जिसे MB कहते हैं। 1024 मेगाबाइट का कलेक्शन 1 गीगाबाइट कहलाता है,
जिसे जीबी कहते हैं, और इसी तरह से 1024 GB मिलाने से 1 TB बन जाता है जिसे टीबी कहते हैं। इसके अलावा और भी बड़ी यूनिट हैं जैसे पेटाबाइट है, यूटाबाइट है, जेटाबाइट है, एक्जेनोबाइट है, लेकिन नॉर्मल जो यूज़ में मेमोरी आती हैं तो वो इतनी ही हैं उसकी यूनिट, और टेराबाइट अपने आप में इतनी बड़ी यूनिट है कि हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिक्वायरमेंट ही नहीं आती। तो हम लोगों ने इसको समझा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी के टॉपिक हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले नए वीडियोस की जानकारी आपको आपके अकाउंट पे मिलती रहे। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के काम आएगा, उसके मतलब का है, तो इसे शेयर करना ना भूलें, इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।